अमेठी के जगदीशपुर नबीपुर गांव में अज्ञात कारणों से घर में आग लगी, पूरी गृहस्थी जलकर खाक हुई, लाखों का हुआ नुकसान, घर में मचा कोहरा। सुल्तानपुर के लंबुआ में द गोल्डन एकेडमी संस्था के कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए निःशुल्क जल प्याऊ की व्यवस्था की। जिला पंचायत वरिष्ठ निरीक्षक चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी ने किया उद्घाटन। सुल्तानपुर में केबल टीवी में हो रही प्रतिस्पर्धा को लेकर जी टीवी ने लॉन्च किया 39 रूपए का पैकेज, जिसमें मिलेंगे 23 चैनल। रेलवे स्टेशन से निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों को किया गया जागरूक, जी टीवी के पैकेज के लिए भीड़ जुटी। सुल्तानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह का प्रचार करने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। नगर के विभिन्न मार्गों में किया रोड शो, जनता से की वोट देने की अपील। ढोल ताशों के बीच प्रियंका गांधी का किया लोगों ने स्वागत। सुल्तानपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो में भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी की गाड़ी फंसी। चुनावी प्रतिस्पर्धा में चाची और भतीजी आए आमने सामने। मेनका गांधी ने अपने सेक्रेटरी को डांटा, काफी जद्दोजहद के बाद मेनका की गाड़ी हुई रवाना। सुल्तानपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो में एक मुस्लिम बच्ची को गोद में लिया। लोगों ने लगाए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे, लोगों को प्रियंका की अदा भाई, ढोल ताशे पर झूमे लोग। सुल्तानपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह का अनोखा रूप, आम आदमी की तरह पहुंचे पान की दुकान पर, पान का बीड़ा खाया, लोगों से की चर्चा, एक आम आदमी की तरह लोगों से मिले। सुल्तानपुर के लोकसभा चुनाव में आम आदमी इंडिया पार्टी ने ठोकी ताल। मेनका गांधी के खिलाफ महिला प्रत्याशी मंजुलता पाल ने जनता से की विकास के नाम पर वोट देने की अपील। हेलीकॉप्टर चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटी प्रचार में पार्टी अध्यक्ष हरिभाई पटेल समेत सैकड़ों लोगों के साथ कर रही हैं जनसंपर्क, जीत का कर रही हैं दावा। मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज के रूप में आज बेईमान मौजूद हैं, इसलिए हमने नारा दिया है बेईमानों गद्दी छोड़ो आंदोलन का दिया है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत के बेईमानों का सरदार मानता हूं। और वर्तमान समय में देश में की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही खराब हो चुकी हैं, अब क्रांति की जरूरत देश में आ चुकी है और उसका मैं अगुवा बन करके आपके सामने आया हूं। आम जनता पार्टी निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे भारत की एक नंबर की पार्टी बनेगी और कांग्रेस भाजपा दोनों इस देश से खत्म हो जाएगी। मैं मेनका गांधी को इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने अभी उनका बेटा ही चुनाव लड़ रहे थे और जीते भी हुए हैं और उसी सीट पर उनकी माँ आई है। जब बेटे ने कुछ नहीं किया तो माँ क्या करेगी, क्योंकि मैंने जो गांव-गांव जाकर अभी तक सर्वे किया है और मैंने वोट मांगने के लिए नहीं, मैंने सिर्फ देखने के लिए लोकसभा में गई हूँ कि हमारी जनता को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर पहुंचे सुल्तानपुर। मनोज मुंतशिर के फैंस ने आयोजित किया कार्यक्रम। अपनी आने वाली फिल्मों की तैयारियों को लेकर मनोज ने चर्चा की। मनोज मुंतशिर से मिलने के लिए भारी भीड़ जुटी। ऐसे निकले, ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये मतदान करने का दिन है। वो राइट जो आपको संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार आपको दे दिया है, इस अधिकार का आप इस्तेमाल करें। सच्चाई वही जो हम बताएं।